अच्छा जी, तो ये 21 ग्रेन, अब हम इसको चेक करेंगे 100 यार्ड पर। 100 यार्ड्स है और 21 ग्रेन है, हवा चल रही है और मैंने आपको दिखाया कि हवा बहुत तेज चल रही है। इंशाल्लाह ग्रुप लेने की कोशिश करते हैं। ठीक, डिटेल डॉट। पीछे दरख्त पे आप लोग हवा देख रहे होंगे, हवा कितनी चल रही है मुझे पता चल रहा है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट ठीक दे रहे हैं। 23 को भी चेक करेंगे कि हवा उनको कितना ड्रिफ्ट कराती है। ठीक है, क्योंकि मैं स्कोप में देख रहा हूँ तो स्विंग होके जा रहा है स्लग, या तो एचपी अच्छा है लेकिन ग्रुप तो ठीक हमें मिल रहा है। इसको हम और भी बेहतर कर सकते हैं एफपीएस अप एंड डाउन के साथ। ये लास्ट शॉट है, गुड। तो 100 यार्ड पर कैसा ग्रुप मिला है, ठीक है आप लोगों के सामने। अच्छा, ये जो है इस पे हम निशान लगाएंगे, तो 23 ग्रेन हम इधर ही चेक करेंगे। फिर दोनों को आप लोगों को एक ही वीडियो में चेक कराऊंगा, इस तरह वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, तो अभी ये हम 23 ग्रेन को चेक करेंगे 100 यार्ड पर। ठीक है, हवा की वजह से समझ नहीं आ रही कि लेफ्ट राइट स्लग हो रहा है, ये हवा की वजह से है। अब हम ग्रुप बनाएंगे, जहाँ भी बन गए तो उसको आप देख लीजिए। अगर अब जब हवा स्लो हो जाती है तो स्लग अपनी जगह पे लगता है, जब हवा चल रही होती है तो लेफ्ट की तरफ ग्रुप बन रहा होता है। क्योंकि मुझे यहाँ से जो नज़र आ रही है, मे बी वो कैमरे में नज़र ना हो आए। सिर्फ ये एक ऊपर की तरफ
फ्लायर मुझे लग रहा है, बाकी तो एक ही सीक्वेंस में लग रहे हैं। बारह तेरह शॉट्स लेते हैं। थिंक ये सेकंड लॉस है। तो ये 12 या 13 शॉट्स का ग्रुप है 100 यार्ड पर 23 ग्रेन के साथ। नज़दीक जाके देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने 100 यार्ड पर चेक किया 21 ग्रेन को भी और 23 ग्रेन को भी। नज़दीक जाके देखते हैं। अब देखिए हवा स्लो हो गई है, ऑलमोस्ट रुक गई है। जब हम ग्रुप बना रहे तब हवा बहुत तेज चल रही थी। लास्ट हमारे साथ 130 या 125 यार्ड तक जगह है इसके पीछे एंड तक, वो देखते हैं कितना बनता है, वो भी चेक कर लेते हैं आखिरी में। अच्छा जी, तो ये 23 ग्रेन का रिजल्ट है, तकरीबन 1.5 इंच के आसपास है ये एक फ्लायर के अलावा, और ये 23 ग्रेन का रिजल्ट है। एम पॉइंट हमारा ये था, हवा की वजह से यहाँ ग्रुप बन रहा था, एक फ्लायर, बाकी 12-13 शॉट्स हैं आपके सामने, और ये कोई 1.5 इंच के आसपास ग्रुप बनता है। ठीक है, ये जो है हवा की वजह से भी ग्रुप थोड़ा सा खुल गया है और 21 ग्रेन है और ये 23 ग्रेन का रिजल्ट है। मे बी आपको वहाँ से हम खेल रहे हैं, तो अब हम इसको एंड तक लेके जाते हैं, वो 130 या 140 यार्ड तक जगह है, वो भी चेक करते हैं, वो भी इसको 123 ग्रेन के साथ वो ग्रुप बना लेते हैं। वन फोर्टी यार्ड पर ये टारगेट हमने रखा है, अब इंशाल्लाह इसको हम 23 ग्रेन को हम 140 यार्ड पर चेक करेंगे। अच्छा जी, ये अब हम 140 यार्ड पर ग्रुप बना रहे हैं 23 ग्रेन के साथ। देखते हैं कहाँ ग्रुप बनते हैं, हम इधर ही एम करके टारगेट लेते हैं। ठीक है, हम इधर ही, हवा भी बहुत तेज चलने लगी है, ये पीछे दरख्त देख रहे हैं।
मेरी गलती की वजह से थोड़ा सा नीचे गया है। और ये अपनी जगह पे सही गया है। वन फोर्टी यार्ड पर ये अब मैंने जो एम पॉइंट बनाया है इसको ही आप देख लें कितना छोटा मैंने बनाया है, तो ये हाफ इंच से भी छोटा है। तो वो इंसान थोड़ा सा थक जाता है, बार बार एक ही जगह पे देखते हैं तो आंख रुक जाती है। लास्ट शॉट है, हवा इतनी तेज है कि मुझे धकेल रही है। पीछे आप ये दरख्त देखें, एंड में मैं आपको चेक करवाता हूँ। वन फोर्टी यार्ड 23 लाश होते हैं यहाँ, देखें हवा कितनी तेज चल रही है। ये दरख्त को देखें कितना हिल रहा है हवा की वजह से। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिजल्ट अच्छा मिला है। ये देखें 23 ग्रेन के साथ 140 यार्ड पर, नज़दीक जाके चेक करते हैं इसको। अच्छा जी, ये हमने यहाँ ग्रुप करीब जाके चेक करते हैं। वन फोर्टी यार्ड ठीक ठाक डिस्टेंस है, और इसके लिए अगर प्रॉपर आपकी गन ट्यून हो और हवा जो है विंड ज़ीरो कंडीशन हो, तो मेरे ख़्याल से जो ग्रोप बनना चाहिए वो एक इंच के आसपास होना चाहिए। तो आप ये देखें कि 150 और 140 में कोई इतना बड़ा मेजर डिस्टेंस तो का फ़र्क तो नहीं है। तो आप ये कह लें कि 150 यार्ड पर आपका एक इंच ग्रोप फैल्कन स्लग के साथ बन रहा है, लेकिन ये है कि हर बैरल और हर गन की अपनी एक सेटिंग है। और स्वीट पॉइंट अगर आप ढूंढते हैं, ये हवा देख लें, ये देख लें, इन दोनों को छोड़ें, ये फ्लायर समझ लें, ये हमारा एम पॉइंट है, आधे इंच से भी छोटा है, और ये 140 यार्ड पर ये ग्रुप बना है, तकरीबन डेढ़ इंच कह लें आप, ठीक है।